चैनल नीलूज क्लासरूम। अब नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसमें आप इजीली 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर एडिशन आपको आए, ये ट्रिक है, तो कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद आते हैं, ठीक। जैसे कॉन्जिक्यूटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब किसी नंबर के जस्ट बाद ही बाद आते जाते हैं, लाइन से आते हैं, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो सम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को करने के लिए आपको मैं एक बहुत ही इजी और सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक नंबर के बाद आते हैं, मतलब लाइन से आते हैं। जैसे कि 99 के बाद 100 आएगा, 101, 102, 103, 104, 100, तो ये लगातार जो नंबर्स एक के बाद एक आते हैं, इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो अभी मैं आपको बोलूं कि ए 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करो, तो आप क्या करोगे? आप ऐड करोगे 99 प्लस 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 100, और इतना लंबा आपको ऐड करते करते बहुत वक्त चला जाएगा। तो सबसे सिंपल इसका तरीका है, अगर आपको 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको फिफ्थ नंबर यहां से काउंट करना है। तो यहां से फिफ्थ नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ नंबर है, इसे लिखना है और उसके लास्ट में 5 लगा देना है। जो भी आपको फिफ्थ नंबर मिले उसके लिखना है और उसके बाद आपको 5 लगा देना है। तो इनका सम होगा 1035। चाहिए तो आप चेक कर लीजिए, इनका सम होगा 1035। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये करोगे तो ये तो बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी कर लोगे इसे, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 30 सेकेंड्स आपको लग जाएगा इनको ऐड करने में। लेकिन आप यहां पर जस्ट वन सेकेंड सिर्फ लिखने में लगेगा आपको। यहां से जो भी फिफ्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है और 5, 55, इसको ऐड करने पे आएगा 55। और आप इसे देख भी सकते हो चेक करके, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूं। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45 and 45 plus 10 55। Very simple. तो इसी तरह अगर आपको 2 डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो, या 4 डिजिट में नंबर हो, या 5 डिजिट नंबर में, अगर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको मिलते हैं, मतलब नंबर्स लगातार होंगे, तो उनके एडिशन में सिर्फ आपको फिफ्थ नंबर, या आपको सिर्फ फिफ्थ नंबर को लिखना है और उसके लास्ट में 5 निकाल देना है और आपका आंसर रेडी। तो आपको सिर्फ 1 सेकेंड लिखने में ही लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए किसी ट्रिक के साथ। बाय, टेक केयर।